नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। यह मेरा पहला एपिसोड है और ऐसे बहुत सारे एपिसोड आपके पास आएंगे और मैं इंग्लिश की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आज से। और यह किन के लिए है? सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैनल का उद्देश्य बताना चाहूँगा कि किन के लिए मैं यह चैनल लेकर आया हूँ। तो देखिए, पहला है पर्पज़, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। सो दिस चैनल इज़ मीन फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर आइदर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस। क्योंकि इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं दोनों ही भाषाओं में एक्सप्लेन करूँगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इन इंग्लिश। सो यू नीड नॉट टू वरी वेदर यू बिलोंग टू विच मीडियम, पहली बात ये। दूसरा, इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ कंपोजिशंस भी पढ़ाऊँगा, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, वॉट एवर इज़ इंक्लूडेड इन द सिलेबस ऑफ वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसके बाद है लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। जिन लोगों की मातृभाषा हिंदी है और वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मेरा यह चैनल बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही सामान्य से आप अंग्रेजी सीख पाएँ इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड इन इंडिया, सो आई विल टीच देम ग्रामर एंड अदर आइटम्स विच आर जनरली आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में जो भी आते होंगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल उन लोगों के लिए है। और सबसे ज़्यादा जोर मैं इसी पर दूंगा, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए जो इंग्लिश है इस पर मैं सबसे ज़्यादा जोर दूंगा। और मैं कॉन्सेप्ट को जब आपको पढ़ाऊंगा तब बीच में आपको बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, वेयर यू कमिट मिस्टेक्स, जहाँ पर आप मिस्टेक्स करते हैं। और लास्ट है फॉर प्रोफेशनल्स, दोज यू आर वर्किंग एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स, मे बी लॉयर और डॉक्टर, इंजीनियर्स एंड वॉट एवर मे बी, एंड इफ दे वॉन्ट टू ब्रश अप देयर इंग्लिश, इफ दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज इन फ्लुएंट इंग्लिश इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, सो दिस चैनल इज मीन फॉर देम। और आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपका इंग्लिश ग्रामर में अच्छा कमांड है, आपका एक्सेंट अच्छा है, देन यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। अब मैं आपका ज़्यादा वक्त लेते हुए अपना आज का जो चैप्टर है वो शुरू करता हूँ। तो आज का जो मेरा फर्स्ट चैप्टर है वह है टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और आप लोग जानते ही होंगे कि यदि इस टेंस पर आपका कमांड हो गया, इस चैप्टर पर आपका कमांड हो गया, खासकर टेंस चार्ट के ऊपर, तो आपने आधी जर्नी तय कर ली, आधा रास्ता आपके लिए आसान हो गया। और जहाँ तक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की बात है, दो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो इस टेंस के ऊपर आधारित होते हैं। तो एक तो चैप्टर हो गया जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, एक है आपका वॉइस और दूसरा हो गया आपका नरेशन। तो ये जो दो चैप्टर हैं, वॉइस में आपका क्वेश्चन आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इसमें आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच।
ये जो दो चैप्टर है वॉयस, एक्टिव वॉयस एंड पैसिव वॉयस एंड नरेशन, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, स्कूल्स और कॉलेजेस में जो एग्जाम्स होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन जरूर आते हैं। इट मीन्स चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉयस इंटू पैसिव वॉयस और वॉइस वर्सा, आई मीन फ्रॉम पैसिव वॉयस टू एक्टिव वॉयस। एंड द सेकंड वन नरेशन, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इंटू इनडायरेक्ट स्पीच और फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच इंटू डायरेक्ट स्पीच। कोई भी एग्जाम्स हो, ये जो दो चैप्टर जरूर रहते हैं वहाँ पर। और टेंस की जहाँ तक बात है, उसमें आपको फाइंडिंग एरर्स, एरर फाइंडिंग कि कहाँ पर गलती है उसको आपको ढूंढना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सब आते हैं। तो इसके लिए आपको टेंस में कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे चैप्टर्स मैं डील करूँगा और जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स मैं आपके साथ यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपके साथ डील करूँगा। इससे पहले कि मैं आपको टेंस पढ़ाना शुरू करूं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसको समझे बिना आप सीधा आप टेंस चार्ट को नहीं समझ सकते। और इस टेंस में जैसा कि आप जानते हैं 12 स्ट्रक्चर्स होते हैं, और आप लोगों को लगता है कि इसे याद करना बहुत ही कठिन है, तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊँगा जिससे आप इसको बहुत ही आसानी से ध्यान में रख पाएंगे। सो लेट अस सी, एक एग्जाम्पल देखिए। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो सेंटेंस है इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट, जिसको बाद में मैं केवल एस लिखूंगा। इस दूसरे पूरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट, इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब यह होता है अबाउट हुम और अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद जो बचा हुआ हिस्सा रहता है जिसमें वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। ऑब्जेक्ट भले मत रहे, वर्ब जरूर रहता है। इट मीन्स एवरी सेंटेंस, यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक अर्थ निकलता है, और सेंटेंस के प्रायः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर जो काम का करने वाला है। इट मीन्स अबाउट हुम और अबाउट विच समथिंग इज सेड, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट है, इसमें इसको अभी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। तो इज प्लेइंग ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। बाद में मैं इसके लिए खाली ओ लिखूंगा, आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं खाली लिखूंगा ओ स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया, देख सकते हैं आप, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल इज द सब्जेक्ट और द डूअर ऑफ द एक्शन, इज प्लेइंग इज द वर्ब एंड फुटबॉल दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया, आप देख सकते हैं राहुल इज द नेम ऑफ ए बॉय। तो जो राहुल है ये तो एक नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। और ये भी एक ऑब्जेक्ट का नाम है फुटबॉल, यह भी एक नाउन है। मतलब जो सब्जेक्ट होता है या तो वह नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। जो सब्जेक्ट होता है वह या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है।
तो ये जो है नाउन है, यहां पर यहां पर भी नाउन है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पर्सन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना जरूरी है। पर्सन किसको बोलते हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं टेंस पढ़ाना चालू करूंगा तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वहां पर आएंगे। ये टर्मिनोलॉजी, ये पारिभाषिक शब्दावली है जो वहां पर आएगी। पर्सन है और सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यू शुड नो। सो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। पर्सन, पर्सन को मैं बहुत साधारण तरीके से समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से समझ पाएंगे जो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखिए, ये एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है ये, और एक तीसरा व्यक्ति है ये। फॉर दिस पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग, ही इज स्पीकिंग समथिंग एंड दिस पर्सन इज लिसनिंग। दिस इज द स्पीकर, दिस पर्सन इज द स्पीकर एंड दिस पर्सन इज लिसनर, दिस पर्सन इज लिसनर एंड दिस वन इज थर्ड पर्सन। यह बोल रहा है और इसकी बात को यह सुन रहा है और ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह बोल रहा है, दिस वन इज स्पीकिंग, दिस वन इज लिसनिंग एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन। सो द पर्सन हु इज स्पीकिंग ही इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पीक्स समथिंग, अब एक हो, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है, ये सुनने वाला, ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं यह हमारा हो गया थर्ड पर्सन। इट मीन द पर्सन हु स्पीक्स समथिंग ही इज द सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन। द पर्सन हु स्पीक्स समथिंग ही इज फर्स्ट पर्सन, द पर्सन लिसन्स ही इज द सेकंड पर्सन, एंड अबाउट हुम दे आर टॉकिंग ही इज थर्ड पर्सन। तो ये भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि अभी ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। तो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे सब्जेक्ट नाउन हो या प्रोनाउन हो, वे इन्हीं तीनों पर्संस में होते हैं। और एक होता है नंबर, यू शुड ऑल्सो नो द नंबर, नंबर्स। ये सारे सारी बातें अभी काम आएंगे। आप नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। हिंदी में सिंगुलर नंबर को एकवचन बोलते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन बोलते हैं। सिंगुलर नंबर स्टैंड्स फॉर ओनली वन, इफ यू रिफर टू ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। अगर केवल एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज को रिफर कर रहे हैं, तो हो गया सिंगुलर नंबर। नाउ द सेकंड वन इज प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मीन्स मोर देन वन। जब आप एक से अधिक की बात कर रहे हैं, एक से अधिक मतलब प्लूरल नंबर, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन है तो क्या हो गया, प्लूरल नंबर हो गया। मोर देन वन है तो प्लूरल नंबर हो गया। मोर देन वन है तो प्लूरल नंबर हो गया, और अगर अकेला है तो सिंगुलर नंबर हो गया। अब हम देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है। तो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है, चाहे नाउन हो या प्रोनाउन, जो हमारा सब्जेक्ट है
और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट जो है हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट या तो हमारा नाउन हो गया या प्रोनाउन होगा, ये सब्जेक्ट है। तो हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है, मतलब डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट हुम और अबाउट विच समथिंग इज सेड, इट फॉल्स अंडर द टू कैटेगरीज, आइदर इट विल बी नाउन और प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्ट है उसको नंबर और पर्सन के हिसाब से, और पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इन कैटेगरी में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। यह सब जानना जरूरी है क्योंकि जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है इसी पर निर्भर करता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि हम कैसे उसको कैटेगराइज करते हैं। देखिए तो मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट पर्सन, ये चार्ट है आपका सिंगुलर, ये सिंगुलर नंबर हो गया और इधर हमारा हो गया प्लूरल नंबर। ये आपका सिंगुलर नंबर हो गया और इधर हो गया प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर में जो हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं उसको देखते हैं। सिंगुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। बाद में मैं बताऊंगा इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमको, क्यों हमको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है आई और वी, आई वी, सेकंड पर्सन यू, यू, और ये ही, सी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड ये सिंगुलर नाउंस, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने देखा, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट आर एनी नेम, ही सी इट आर एनी नेम। प्लूरल में आते हैं दे या फिर प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स, प्लूरल नाउंस, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, प्लूरल हो गया, तो इसमें आएगा। तो ये सब्जेक्ट का चार्ट है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है आई, एक प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है। अगर मैं आप सबसे बात करूँ तब भी बोलूँगा आई एम टीचिंग यू, इवन इफ यू आर अ सिंगल वन एंड इफ यू आर मोर देन वन देन ऑल्सो आई विल टेल यू दैट आई एम टीचिंग यू ऑल। ओके, सो दिस इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बोथ, एंड दिस इज थर्ड, ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट आर एनी नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन आर एनीथिंग एल्स। ओके, और सिंगुलर जो नाउंस होते हैं जैसे बॉय, द बॉय रन्स वेरी फास्ट, लाइक दैट। और ये प्लूरल नंबर में क्या आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है दे। सो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, शी, इट आर एनी नेम या फिर कोई सिंगुलर नाउंस है। इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स दे, दे या फिर
जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, बॉयज गर्ल्स ऑल दीज थिंग्स। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। आपको यह सब्जेक्ट बहुत जानना जरूरी है, ये जो फारी चीजें मैं बता रहा हूँ फंडामेंटल्स हैं, इसके आधार पर ही हम टेंस को सीखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं आता हूँ वर्ब फॉर्म्स में। वर्ब फॉर्म्स अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो विभिन्न प्रकार के वर्ब फॉर्म्स जो मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, इन्होंने वर्ब फॉर्म्स को इस तरीका से डिपिक्ट किया है, डिस्क्राइब किया अपनी किताबों में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जहाँ मैं वी वन लिखूँगा, वी वन वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, तो जब मैं वी वन लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, वी टू लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, वी थ्री लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, वी फोर लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, और वी फाइव लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है। दीज आर कॉल्ड वर्ब फॉर्म्स, एज यू नो वेरी वेल दैट दीज आर कॉल्ड वर्ब फॉर्म्स। गो, went, gone, going and goes. Basically there are five types of verb forms: go, went, gone, going, goes, like that. ये है वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव। Because while dealing with this chapter tense, I will write these abbreviations, okay? So I will write in short, otherwise it's too much time consuming, you know very well, okay? So V1 ho gaya, first form of the verb ko bolte hain V1, first form of the verb like go, play, fly. First form of the verb, example go, play, fly. V2, second form of the verb, second form of the verb जिसको past form या past tense बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया second, second form of the verb. जैसा इसका हो गया वेंट, इसका हो गया प्लेड, और फ्लाई से बन गया फ्लू। गो का हो गया वेंट, प्ले का हो गया प्लेड, फ्लाई का हो गया फ्लू। दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी थ्री, वी थ्री मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम आगे रिफर करेंगे V3 से। आगे जब मैं कहीं V3 लिखा हूं तो आप समझ जाना कि दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे गॉन, गो वेंट है तो गॉन, प्लेड, प्लेड का प्लेड ही होता है, और इसका होता है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ये ये हो गया, जरा देख लीजिए आप ध्यान से। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, प्ले, फ्लाई। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट, प्लेड, फ्लू। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन, प्लेड, फ्लोन। वी फॉर मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी वन प्लस आईएनजी। वी वन प्लस आईएनजी को बोलते हैं हम V4, जैसे कि यहां पर हो गया गोइंग, प्ले से हो गया प्लेइंग, गोइंग, प्लेइंग, फ्लाइंग, ये हो गया। इसके बाद
V5 में जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर आता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर आता है तब उसके साथ जब हम जिस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं वह होता है V5। मतलब जब हम वर्ब में एस ई एस या आई एस लगाते हैं तब उसको बोलते हैं V5। जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो सिंगुलर नंबर हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तब हम सब्जेक्ट के साथ जिस वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम V5। तो यहाँ पर हम V1 प्लस एस ई एस और आई ई एस एस ई एस एंड आई एस जैसे ये गो है तो गोज हो जाएगा गोज, प्लेइंग है तो गोइंग हो जाएगा गोइंग, नहीं गो गोज, सॉरी ये गलत हो गया, गोज प्लेस फ्लाई फ्लाइज। ये किसी भी ग्रामर के बुक में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि गोस कहाँ पे लगा है, ई एस कहाँ पे जोड़ना है, एस कहाँ पे जोड़ना है, आई एस कहाँ पे जोड़ना है। जैसे गो है गोस लगाया क्योंकि ये वावेल साउंड है या कंसोनेंट है तो उसके साथ ई एस जोड़ते हैं। प्ले है लास्ट में वाई आ रहा है, इसके पहले वावेल साउंड है तो खाली एस जोड़ते हैं। इसके बाद फ्लाइज है एफ एल वाई, वाई के सामने कंसोनेंट आ रहा है एल तो आई एस जोड़ते हैं। धीरे धीरे अभ्यास से आपको आ जाएगा। आप देखिए किसी भी टीचर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते, है ना, यू हैव टू गो थ्रू द बुक्स आल्सो, बट आई वुड लाइक टू मेक इजी ऑल द चैप्टर्स, है ना, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक इजी ऑल द चैप्टर्स, बट यू हैव टू गो थ्रू सम आर एनी अदर ग्रामर बुक्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट आई कैन एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट इन अ सिंपल वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, यू कैन ग्रैप द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एक्वायर नॉलेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बुक्स आल्सो। ओके, सो यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी देन ओनली यू कैन लर्न एवरीथिंग। तो आपको खुद भी मेहनत करना है, किसी न किसी ग्रामर की बुक को पढ़ना है, एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल्स, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इसे डरिए मत अंग्रेजी या हिंदी से, ये तो भाषा है और भाषा को हम सीखते हैं, वी एक्वायर द लैंग्वेज, वी लर्न द लैंग्वेज, जैसे दूसरी चीज़ों को सीखते हैं ना वैसे भाषा को भी सीखते हैं। तो इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास करिए। Sometimes I explain every time I will explain everything in Hindi, but I will not write anything in Hindi. So you have to learn the language in English. English से ही अंग्रेजी को अंग्रेजी से ही समझिए आप, तभी आप इस पर बेहतर कमांड हासिल कर पाएंगे। Verb form हो गया आपका। अब ये tense chart आपको याद करने में हमेशा बहुत समस्या होती है। टेंस चार्ट जो होता है ना 12 स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो मिला दें तो 13 होते हैं। इसमें आपको हमेशा तकलीफ होती है कि इसको कैसे याद करें, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ और पूरा सारे स्ट्रक्चर्स को उससे मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। तो एक एग्जांपल आप हमेशा याद रखिए, तो वो एग्जांपल है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो लिखा रहेगा आखिरी तक, उसी की सहायता से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और आप पाएंगे कि बहुत आसान है। लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा टेंस क्या चीज़ है। प्रेजेंट टेंस हो गया, पहले बेसिक चीज़ों को हम समझ लेते हैं। ये टेंस, तो टेंस मतलब होता है द टेंस ऑफ ए वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और द स्टेट ऑफ एन एक्शन। टेंस होता क्या है इंग्लिश ग्रामर में? टेंस मतलब टाइम नहीं होता है, टाइम तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। टेंस हमको यह बताता है कि किसी कोई काम किस समय हुआ है, किस टाइम को हुआ है और उसका स्टेटस क्या है, कि वह एक्शन समाप्त हो चुका है, चालू हुआ है, चल रहा है, कब समाप्त होगा, क्या होगा, इस टाइप का। इट मीन्स टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन। कोई काम की स्थिति क्या है, कोई काम कब हुआ है, टेंस हमको ये बताता है। तो आप जानते हैं कि बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। तो काइंड्स ऑफ टेंसेस देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ टेंसेस,
काइंड्स ऑफ टेंसेस, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेस, है ना। फर्स्ट हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस और तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सिंस अर्ली चाइल्डहुड यू हैव बीन लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में बोल देते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, ठीक है। तो ये तो मेन टाइम बता रही है, प्रेजेंट टाइम में कोई काम होता था प्रेजेंट टेंस में होगा, पास्ट टाइम में कुछ काम हुआ था भूतकाल में तो होगा पास्ट टेंस में, और अगर कोई काम भविष्य में होने वाला है भविष्य में होगा तो वो हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू ऑल दोज एक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस रिफर्स टू ऑल दोज एक्शंस विच टुक प्लेस इन द पास्ट, एंड द थर्ड वन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस रिफर, फ्यूचर टेंस रिफर्स टू ऑल द एक्शंस विच विल टेक प्लेस और विच विल बी टेकिंग प्लेस और विच विल हैव बीन फिनिश्ड इन द फ्यूचर टाइम। तो ये हो गया। अब आप समझ गए कि प्रत्येक काम की अलग अलग अवस्था होती है, अलग अलग दशा होती है, कोई काम शुरू हुआ है, कोई काम चल रहा है, कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है, कोई काम भविष्य में समाप्त होगा, कोई काम भविष्य में भी चलता रहेगा। तो जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेटस हैं काम के, उनको परिभाषित करने के लिए, उनको रिफर करने के लिए ये जो तीन टेंसेज हैं इनको पुनः चार भागों में विभाजित किया गया है। ओके, टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द एक्शन दीज थ्री टेंसेज हैव बीन डिवाइडेड इंटू फोर डिफरेंट पार्ट्स। बेसिकली देर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस रिफर्स टू द ऑल द एक्शंस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, पास्ट टेंस रिफर्स टू ऑल द एक्शंस विच टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम, फ्यूचर टेंस रिफर्स टू ऑल द एक्शंस विच विल बी टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर। बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेट्स स्टेटस ऑफ द वेरियस एक्शंस वी कैन डिवाइड दिस थ्री टेंसेज इंटू फोर मोर डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग काम की अवस्था के आधार पर हम इन तीनों कालों को पुनः चार भागों में विभाजित करते हैं, मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के ही चार भाग और होंगे। तो देखते हैं, तो जो अब मैं इनके लिए एक ही बना देता हूं। पहला इनडेफिनिट, पहला टेंस इसको बोलते हैं इनडेफिनिट, इसको सिंपल भी बोलते हैं, इनडेफिनिट या सिंपल, इनडेफिनिट या सिंपल। दूसरा पास, इस दूसरा क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। कभी कभी इसको प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं, प्रोग्रेसिव, क्योंकि प्रोग्रेस में है। थर्ड को बोलते हैं परफेक्ट, थर्ड को बोलते हैं परफेक्ट, और फोर्थ को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देख सकते हैं आप, प्रत्येक टेंस को हम चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमको डिवाइड करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मीन्स वी आर नॉट डेफिनेट, वी आर नॉट श्योर व्हाट इज द एक्चुअल स्टेटस ऑफ द एक्शन। कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव, द एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन वॉज गोइंग ऑन, द एक्शन विल बी गोइंग ऑन, इट मीन्स अगर कोई काम जारी है इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, इंडेफिनिट है, ये क्या है, कोई काम जारी है या जारी था या जारी रहेगा। थर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स फिनिश्ड, या तो अभी अभी काम खत्म हुआ है, या फिर भूतकाल में काम खत्म हुआ था, या फिर भविष्य में काम खत्म होगा, फिनिश्ड, परफेक्ट मीन्स फिनिश्ड। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब होता है द एक्शन हैज स्टार्टेड एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन। प्रेजेंट टाइम में तो हम बोलेंगे एक्शन हैज स्टार्टेड एंड द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, पास्ट टेंस है तब हम बोलेंगे द एक्शन स्टार्टेड एंड द एक्शन वॉज गोइंग ऑन।
एंड थर्ड फ्यूचर. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स द एक्शन विल हैव स्टार्टेड इन द फ्यूचर एंड विल बी कंटिन्यूइंग. तो एक्शन भविष्य में चालू हुआ था, चल रहा था, चालू होगा और चलेगा. तो एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया. तो आप समझ सकते हैं, अब हम सेपरेटली आई विल डील विथ इंडिविजुअल टॉपिक. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस.